तो जिस तरीके से इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी का आप लोगों ने घोषणा किया, क्या ये सिर्फ खाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी है, खाली कांग्रेस की जिम्मेदारी है और तमाम पार्टी को जोड़कर आप लोग? ज़िला सबका है और ज़िला की ज़रूरत इस्लामपुर महकुमा में रहने वाले हर एक शख्स की है। ये लड़ाई की शुरुआत या उसके आगाज़ कांग्रेस की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। पहली बार कोई सियासी पार्टी इस्लामपुर को ज़िला बनाने की मांग सियासी परचम के तले कर रही है। इससे पहले जनाब अब्दुल करीम साहब ने कहा है, इससे पहले मैंने भी विधानसभा में की, लेकिन कभी कोई पॉलिटिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने परचम के तले ये आंदोलन में नहीं उतरी है। तो ये पहली बार कांग्रेस करने जा रही है। पूरे इस्लामपुर के तमाम नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हर पार्टी के लोगों से, माँ बहनों से, तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इस्लामपुर ज़िला आपका है और आप अपने ज़िला को कामयाब करने में आप सब आगे बढ़कर आइए। अगर आपको कांग्रेस के झंडे तले आने में एतराज़ है, आप अपना झंडा लेके इस्लामपुर का नारा दीजिए ना, कोई मना नहीं करता आपको। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग कह रहे हैं कि ज़िला को लेकर इससे पहले भी जब आप NPDD यानी नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है वहाँ पे आप एक मेमोरेंडम दिए थे, तो उनका ये कहना था कि क्या एक मिनिस्टर जिला बना सकता है जो वहाँ मेमोरेंडम ऐसा कर रहे हैं विक्टर साहब के लोगों को अपने मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनके पास समझने की सलाहियत की कमी है। मैं गया था नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास, उदयन गुहो जो हैं वो पूरे उत्तर बंगाल के मंत्री हैं, उनके पास जाकर, क्योंकि मैं गया था क्योंकि इस्लामपुर भी उत्तर बंगाल में आता है और उनके ज्यूरिडिक्शन के अंदर है और उसमें इस्लामपुर की जो परेशानी है, इस्लामपुर को ज़िला के बनाया जाए, ये परेशानी हम उनके थ्रू सरकार में बैठी चीफ मिनिस्टर के पास भेजा, तो वो इसलिए गए। तो उनसे हमने ये नहीं कहा था कि आप हमको ज़िला बना के दीजिए, आप हमारी बात कैबिनेट तक पहुँचा के दीजिए, ये हमारा मांग। इसमें तृणमूल कांग्रेस का भी ये भी कहना है कि वो लोग खुद जो है इसकी मांग और ममता बनर्जी को खुद सौंप दी है, इसी यही वजह है कि ममता बनर्जी यहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दी है, अब बस उसी देर है कि जो डिस्ट्रिक्ट बनाया, क्या उसका क्रेडिट लेने के लिए भी ये काम कर रहे हैं? ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर ममता बनर्जी ने इस्लामपुर ज़िला के लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया, क्योंकि जो बुनियादी तरक्की है वो DM के थ्रू होता है। जो हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो DM के थ्रू होगा, ना कि पुलिस के SP के थ्रू। SP साहब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। और अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस्लामपुर जब से पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना है, हमारे इस्लामपुर महकुमा का लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हालात में चला गया है। तो इसलिए पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर जो लोगों पर कोई बहुत बड़ा एहसान किए ममता बनर्जी नहीं, बल्कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर ममता बनर्जी ने खुद पर एहसान किया है लोगों को गुमराह करके सरकारी खजाने को बचाने का या उसको गलत इस्तेमाल करने का। उससे वो कर्शियंग कालिंगपोंग में क्या एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को आप डिस्ट्रिक्ट बना सकती है, और इस्लामपुर सब डिवीज़न जो कि माइग्रेट होके आया है 1956 में, उसको डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा, जबकि सबसे बड़ी तादाद यहाँ पर माइनॉरिटी की है, तो ये डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं बन सकता? यही हमारा मांग है कि डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। सर, एक आखिरी सवाल और पर्सनल सवाल है सर, लोगों के जहनों को भटकाने के लिए भी आप ये काम डिमांड कर रहे हैं ज़िला का, क्योंकि आप पर ये आरोप है कि लोकसभा इलेक्शन में आपने BJP के साथ कुछ लेन देन का मामला आया था और इलेक्शन के बाद भी वो आपको पेमेंट हुआ, ऐसा मामला पूरे इलाके में गर्म है, क्या कहेंगे? अरे भाई, अगर अभी ममता के पास CID है, उनके पास पुलिस है, उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो उनके सारे डिपार्टमेंट को मेरे पीछे लगा दे और साबित कर दे कि आप BJP से हम पैसा लिए हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ बयानबाजी में ये कहा जा रहा है कि मैं BJP से पैसा लिया हूँ, मैं वोट कटवाऊँ। मेरा ये सवाल है कि मैं एक नेशनल पार्टी का उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ा हूँ, तो मेरी पार्टी का मैं कैंडिडेट था, मैं अपने हक में वोट मांगा हूँ, तो मुझे लोगों ने वोट दिया है, तो इसमें लोगों ने क्या गलती की है? और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि विक्टर वोट कटवा है, विक्टर की वजह से हम हार गए, तो ममता बनर्जी क्या मेरे भरोसे चुनाव लड़ी थी? सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्या विक्टर के भरोसे चुनाव लड़ी थी, तो फिर उम्मीदवार क्यों खड़ा की भाई, विक्टर पर छोड़ देती? तो विक्टर के नाम को सिर्फ ख़राब करने के लिए ये सब बात उठाया जा रहा है, लेकिन मुझे आवाम पर भरोसा है, आवाम को मुझ पर भरोसा है, और मैं बिकाऊ नहीं। अगर बिकना होता तो पहले ममता बनर्जी की झोली में अब तक मैं भी रब्बानी साहब की तरह बैठ चुका होता।
सर आखिरी सवाल ये है कि आप ब्लॉक कमेटी को लेकर, कांग्रेस कमेटी को लेकर जिला की डिमांड कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि जो आपका यहाँ का जो बालपोखर ब्लॉक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो गायब है। प्रेसिडेंट साहब को भी खबर है, वो किसी वजह से नहीं आ पाए हों, ये अभी हमको पता नहीं, बाद से बात होगी, लेकिन वो कलकत्ता गए हैं अभी खरीदा, वो कलकत्ता चले गए हैं कुछ इसलिए नहीं आए, लेकिन वो कांग्रेस ब्लॉक कमेटी जो है उसके तो वो प्रेसिडेंट हैं। और ये जो है ये इस्लामपुर जिला निर्माण ग्वालपोखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाए, जिसके प्रेसिडेंट आज से हमारे मौलाना नूरुल साहब। क्या ये क्या क्या यहाँ अवाम ये समझे कि ये आंदोलन आपका जो है एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है? इंशाल्लाह आप सबका साथ रहा तो ये आंदोलन आने वाले वक्त में एक नया तारीख लिखेगा।